कब्रिस्तान में जाना जायज ही नहीं है। कब्रिस्तान में अपने शौहर की कब्र में जा सकती है? बिल्कुल नहीं जा सकती है। क्या करेगी जाकर? नहीं, वैसे मुझे आप बताएं, अगर कब्र में चली भी जाए क्या होगा? माँ सिवा इसके कि औरत फरियाद करेगी, वाबैला करेगी, रोएगी, मिटेगी, गुनाहगार होगी और उसको भी गुनाह करेगी, गुनाहगार अजाब का जरिया बनेगी। क्यों? इन अलमैयत युअज़्ज़िब बुकाए अहलिही। अल्लाह ने फरमाया जब ये मातम करते हैं अलमैयत को भी अजाब होता है। कि तुमने उनको मना क्यों नहीं किया, दीन क्यों नहीं सिखाया? वो औरतों को जाना मना है। वो एक तारीखी वाक़ा, अल्लाह आलम सच्चा है गलत है। एक आदमी कब्रिस्तान से गुजर रहा था, देखा कि एक बड़ी नौजवान खूबसूरत औरत है और पंखा लेके कब्र के ऊपर खड़ी है, पंखा कर रही है। वो दिल में बड़ा खुश हुआ, लगा यार इस दुनिया में भी ऐसी बावफा औरतें हैं। अल्लाह आलम उसका खामद है या मसलन भाई है या बाप है कि कब्र पर भी पंखा कर रही है। तो वो करीब गया, उसने कहा कि ये किसकी कब्र है? उसने कहा मेरे खामद की है। तो उसने कहा बड़ी वफादार हो तुम, पंखा कर रही हो। और उसने वफा की बात नहीं, मुझे खामद ने कहा था कि दूसरी शादी करने से पहले मेरी कब्र सूखने देना, मैं जल्दी जल्दी सुखा रही हूँ।